एवरीवन, आज मैं कोरियन रेस्टोरेंट आया हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है हेयुंदे कोरियन रेस्टोरेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज ऑर्डर करी है, उसके बारे में आज हमारे शेफ बताएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम शिशिर है, मैं हेयुंदे से हेयुंदे रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो ऋषि जी, आपने आज क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सर्व की है और ये कैसे कैसे बना है, इसकी पूरी डिटेल थोड़ी सी बताइए हमें कि ये क्या क्या बना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। ये क्या है? ये है मूंगफली, इसको कोरियन में तंगहोंग जोरिम बोलता है इसको। अच्छा, इसको कोरियन में तंगहोंग जोरिम। ओके, और ये क्या है? ये है हमारा, ये भिंडी है, लेडीज फिंगर है। ठीक है, और ये बीन्स फ्राउड है हमारा, और जो है कोरियन में खोंगनामुंग बोलता है इसको। अच्छा, और ये है वही कुकुम्बर पिकल है हमारा, ये कोरियन में वही सुबह की बोलता है इसे। ओके, और ये जो रेड बड़ा स्पाइसी देखने में लग रहा है, ये किमची है, कोरिया का फेमस फूड। ओके, कोई ये कोरिया का सबसे फेमस फूड है, इसका नाम क्या है? किमची। ओके, और ये सॉस सेसेमी ऑयल है। सेशिमी ऑयल। ओके, और ये रेड, इसमें चिली पेस्ट का सॉस बना हुआ है, ये रेड पेपर है, कोरियन में कोचुजांग बोलता है इसका। ओके, कोचुजांग। हाँ जी, कोचुजांग है, काफी सारे चीज मिक्स किया हुआ है इसमें, छोजांग बोलता है इसका। ओके, ठीक है, ये तो हो गए हमारे बेसिक चीजें। और ये देखिए कितना बड़ा बाउल है, इस बॉल के अंदर और ये क्या क्या चीजें मिली हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। एक्चुअली इसका नाम है बिबिंबाप, कोरियन में बोलता है इसको बिबिंबाप। इसकी सारा, इसके अंदर बिबिंबाप का मतलब होता है वेजिटेरियन एंड सब मिक्स करके, जो राइस के साथ मिक्स करके खाने का है, इसका नाम है बिबिंबाप। इसमें काफी सारा चीज है, काफी सारा मतलब 8-9 आइटम जो भी है इसमें है। और ये है व्हाइट में दिया हुआ है, हमने ओनियन थोड़ा सा फ्राई करके डाला हुआ है इसमें। ठीक है, ये है ग्रीन में थोड़ा सा जुगनी फ्राई करके डाला हुआ हमने। ये है सीता की मशरूम। ठीक है, इसमें ये भी फ्राई करके डाला हुआ है। ये कैरोट है, और ये इसमें क्या बोलते हैं इसको, समजू बोलता है कोरियन में, और लोटिस ग्रीन है। तो इसको कोई भी खा सकता है, देखने में काफी हेल्दी लग रहा है। हाँ जी, इसमें वेज भी बन सकता है, लेकिन हमने नॉन वेज बनाया है इसमें। ठीक है, और इसमें हमने मटन चॉप करके डाला है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, मटन चॉप करके डेलीशियस लग रहा है। हाँ जी, और एक फ्राइड, और ये साथ में ये मुझे कुछ पनीर जैसा लग रहा है। पनीर नहीं है एक्चुअली, वो टोफू है। टोफू, अच्छा। टोफू है, और ये कोरियन में डोबो बोलता है इसका। मैंने टोफू और स्पिनच डाल के इसका सूप, बीन्स का सूप बनाया। मैंने ज्यादातर ये जो है देखा है कि अगर लोग कोरिया जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्लाइट जाती है, फ्लाइट पे भी इसी तरीके का खाना मिलता है। मैंने सही कहा ना ऋषि जी? तो अभी इसको हम खाएंगे कैसे, मतलब इसको क्या, इसको खाने का तरीका क्या है, कैसे खाएंगे इसको? खाने के लिए अब हमने यहाँ पे कोचुजांग करके एक सॉस दिया हुआ है, और इसमें दूसरा सॉस भी है हमने दिया हुआ है, ये छोजांग करके। इसी सॉस से हमने मिक्स करके विनेगर, चीनी और एप्पल मिक्स करके समथिंग डाला है इसमें, काफ़ी सारा चीज़ डाल के सॉस बना हुआ है। इस दोनों को हम थोड़ा थोड़ा करके सेसेमी ऑयल मिक्स करके मिक्स, तो एक बार दिखाइए मैम कैसे मिक्स करेंगे। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोको। कोको मैम, तो कोको मैम अभी ये पूरा मिक्स करके दिखाएंगे कि इसको मिक्स कैसे करते हैं। इसके अंदर हमने वही स्पाइसी वाली चटनी, जिसका नाम स्पाइसी तो नहीं है पर थोड़ा स्वीट रहता है। स्वीट, ओके। और ये भी डाला, और अब इसको मैडम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसको मिक्स करके खाया जाता है जिससे कि सारा टेस्ट हमें आए। तो इसे कोई भी इंडियन कोई भी खा सकता है, ज्यादातर ये फॉरेनर लाइक करते हैं। जो ऑफकोर्स कोई भी इंडियन खा सकता है, लेकिन बेस में भी ये चीज, मैंने जो मटन डाला है ये नॉन बेस हो गया। ठीक है, ये वेजिटेरियन भी बन सकता है, काफी हेल्दी डिश है। वाह,
वन ऑफ द फेमस कोरिया का फूड है। ओके, कोरिया का सबसे फेमस फूड है ये। दिखने में भी इतना कलरफुल लग रहा है। थोड़ा सा छोला मोटा डाल दो। ठीक है, बस बस। ठीक है ऋषि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। और अभी तो मेरे ख्याल आप लोगों के पास काफी सारा मेन्यू है, तो हम नेक्स्ट फेयर आएंगे आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा खाने। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।